Dear children, in today's maths class, we are going to learn about multiplication and division facts. Till now, you have learned the properties of division. Also, I had explained you some basic terms of division. Okay, so let us now learn that what are multiplication and division facts. Children, I have written one example for you where I have multiplied two numbers together. Okay, here I have multiplied 5 by 4, and you know the fact that 5 fours are 20. So whenever we are writing a statement including a multiplication sign and an equal to sign, and both these sides are equal, or in other words, if we are multiplying two numbers together with multiplication sign and equalizing it with a product, it will be called as multiplication fact. चिल्ड्रन, जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, ओके, और इसको इक्वल टू के साइन के साथ प्रोडक्ट लिखते हैं इस फॉर्म में, 5 × 4 इज इक्वल टू 20, जैसे आप टेबल्स लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहते हैं, ओके. एंड Children, if you remember that when I was teaching you the properties of multiplication, I had taught you the order property of multiplication. And if you put stress on your mind to recall that thing, that if you are multiplying two numbers together and you are changing the order of the numbers, the product will be same. अगर आप दो numbers को आपस में multiply कर रहे हैं और आपने उनका order change कर दिया है, तो भी आपको same product मिलेगा. This is order property of multiplication. So you know this thing? Okay, let us write this thing in another format. Okay? Here I had used three numbers together, that are 5, 4 and 20. By using these three numbers, I have written division fact over here. See, here your product has become your dividend. And I have divided it with one of the numbers including multiplicand and multiplier. ठीक है, मैंने यहाँ पे वही तीन digits ली हैं जो मैंने ऊपर ली थी. आप देख रहे हैं ना, हमने 5 को 4 से multiply किया है और हमें जो product मिल रहा है, जो answer मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 20. अब देखिए, डिविजन फैक्ट को बनाने के लिए हमने इन्हीं तीन नंबर्स का यूज किया है. अब जो हमारा डिविडेंड है वो कौन सा नंबर है, जो आपका यहां पे प्रोडक्ट था. ठीक है, दिस इज योर डिविजन साइन और साइन ऑफ डिविजन. हमने इसको डिवाइड किया है पहले मल्टीप्लिकेंट से. ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा. और इन अदर वर्ड्स, इफ यू वुड डिवाइड 20 बाय 5, यू विल गेट द क्वोशेंट 4. ओके, जब आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लाने के लिए, तो ये जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो इस प्रोडक्ट के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. आप टेबल्स जानते हैं, टेबल्स लिखते हैं, है ना. तो
जो दो नंबर्स आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट जो होता है उसके हमेशा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो आपका प्रोडक्ट था उसको क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया, और बाकी के दोनों फैक्टर्स से इसे बारी बारी डिवाइड किया। ठीक है, तो जो आपका कोशेंट मिलेगा वो दूसरा वाला नंबर मिलेगा। देखिए, अगर हमने 520 को 5 से डिवाइड किया है तो आपको कोशेंट क्या मिला, 4, और यहां पे हमने 20 को 4 से डिवाइड किया है तो आपको कोशेंट क्या मिला, 5, बिकॉज 4 5s आर 20 एंड 5 4 इज ऑल्सो 20। सो इफ सम स्टेटमेंट इज रिटन विद द साइन ऑफ डिविजन एंड इक्वल टू मार्क, इट इज नोन एज डिविजन फैक्ट। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर डिविजन फैक्ट्स। ओके, सो बाय दिस वी कम टू नो दैट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर इनवर्स ऑपरेशन। हमने क्या किया, यहां पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिला। अब इसके ठीक उल्टा हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो हमें कौन सा नंबर मिला, 4, जो कि यहां पे आपका मल्टीप्लायर था। सिमिलरली अगर हमने 20 को 4 से डिवाइड किया, मींस मल्टीप्लायर से डिवाइड किया, तो हमें दूसरा नंबर क्या मिला, जो कोशेंट है वो क्या मिला, आपका मल्टीप्लिकेंट। दैट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आपस में रिलेटेड हैं। बोथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर रिलेटेड विद ईच अदर। एंड हाउ दे आर रिलेटेड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, और यू कैन से दैट मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्स। मीन्स इन वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इनवर्स, इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्स ऑफ डिविजन, और division is inverse of multiplication. Okay, here I have written that both of these terms are inverse operations. Means ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, opposite हैं। आपको समझ में आया हमने कैसे प्रूव किया, हमने यहाँ पे दो numbers को आपस में multiply किया था, ठीक है, और उसका हमें product मिला था। अब हमने इसी product को इन दोनों numbers से बारी बारी divide किया। ठीक है, जब बारी बारी डिवाइड किया तो हमें पता चला कि एक बार हमें एक नंबर मिला और दूसरी बार हमें दूसरा नंबर मिला। ओके, सो टू कंक्लूड आई वुड से दैट मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्स ऑफ डिविजन, और डिविजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट इज डिविडेंड, divisor and quotient. Here 20 is your dividend, because what is a dividend, the number which is being divided or the number to be divided. So here 20 is being divided or 20 is to be divided. 20 jo hai wo divide hoga ya use divide kiya ja raha hai to wo kya ho jayega, dividend hoga. The number which divides the dividend, theek hai, yahan pe dividend ko kaun sa number divide kar raha hai, 5 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो 5 होगा वो आपका डिवाइजर होगा। ठीक है, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज नोन एज डिवाइजर। ओके, एंड द रिजल्ट, जब आपने 20 को 5 से डिवाइड किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स 4 आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ डिविडेंड इज नोन एज कोशेंट। सो चिल्ड्रन, this is your multiplication fact and this is your division fact. Children, let us now learn how to find the division fact from a multiplication fact. Here you can clearly see that 3 into 4 is equal to 12. It is a multiplication fact. Why it is multiplication fact? Because we are multiplying two numbers together with a multiplication sign and an equal to sign, and we are taking out a product, okay, and writing it in this format. Humne isko is format mein likha hai, with multiplication sign and equal to mark. Okay, how to take out
अ डिविजन फैक्ट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. अब आप देखिए यहां पे हम किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 12 लाने के लिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो 12 आया. ऐसे ही अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा, मीनिंग 12 आएगा. अब देखिए दैट मीन्स अगर हम 12 को, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब भी आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाने के लिए, तो ये दोनों जो नंबर्स होंगे आपके मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, ये दोनों इस नंबर के मतलब आपके प्रोडक्ट के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे. ठीक है, मीनिंग यहां पे 3 और 4 12 के फैक्टर्स होंगे. अब इसका डिविजन फैक्ट से क्या मतलब है, इसका डिविजन फैक्ट से मीन रिलेशन है जब भी आप प्रोडक्ट को इन दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए हम पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं. आपका प्रोडक्ट क्या था, 12, और उसे हमने यहां पे क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया. अब इनमें से हम कोई भी एक नंबर लेंगे. ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेंट लेते हैं. 12 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा. आएगा कि नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर हमने प्रोडक्ट को इनके इन दोनों में से किसी भी फैक्टर से डिवाइड किया तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो अगला नंबर होगा, वही इसका कोशेंट बन जाएगा. ठीक है, हमने यहां पे 12 को डिवाइड किया 3 से, तो जो हमारा कोशेंट होगा वो दूसरा नंबर आ जाएगा. ये आपका डिविजन फैक्ट हो गया. अब दूसरा नंबर भी है, हम उसे भी डिवाइड करके देखते हैं. देखिए 12 को हमने डिवाइड किया, दूसरा नंबर जो है आपका 4 है. ठीक है, जब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो जो नंबर बचा वो क्या हो गया, वो कौन सा था, 3, और जो नंबर बचा वही आपका कोशेंट हो जाएगा. दैट मीन्स व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, दैट इज 3 एंड 4 टुगेदर, वी गेट द टू डिविजन फैक्ट्स. ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डिविजन फैक्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, और आपको कितने डिविजन फैक्ट्स मिले, 1 एंड 2. व्हाई देयर आर टू डिविजन फैक्ट्स, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, यहां पे हमने दो अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, 3 और 4, इसलिए हमें दो डिविजन फैक्ट्स मिले. लेट सॉल्व अनदर एग्जाम्पल. हियर 5 into 4 इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हो गया. अब हमने इसको डिविजन फैक्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसे हमें क्या बनाना है, डिविडेंड बनाना है. ठीक है, हमने क्या किया, एक डिविजन का साइन लगाया. अब आप इन दोनों जो आपके मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के नंबर्स होंगे, दैट इज योर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, उनमें से किसी एक नंबर को यहां पे हमें डिवाइजर बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं 5 से. ठीक है, हमने अगर 520 को 5 से डिवाइड किया एंड वी नीड टू पुट एन इक्वल टू साइन ओवर हियर. हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो हमें जो कोशेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर देखिए समझिए कि 20 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया है तो कौन सा नंबर बच गया, 4. सो जो बचा हुआ नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा. अब मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर आपने दो अलग अलग नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आपको दो डिविजन फैक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि ऊपर मिला था आपको. आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी सो दैट यू पीपल कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब आपका जो प्रोडक्ट था वो यही रहेगा बिकॉज सिंस इट इज द बिगेस्ट नंबर. अब हम इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे. इससे पहले हम डिविजन का साइन लगाएंगे. दूसरा नंबर कौन सा था, द सेकेंड नंबर वॉज 4. ठीक है, सो इफ वी आर डिवाइडिंग 20 by 4, विच नंबर इज लेफ्ट हियर, 5. सो द कोशेंट इज 5.
okay? So these two are your division facts. From this multiplication fact, आपके पास दो division facts मिले एक multiplication fact से. क्यों दो मिले? Because हम यहां पे दो अलग अलग numbers को आपस में multiply कर रहे हैं. Okay? Children, let us take up one more example here. Here, I am not taking two different numbers. आपका multiplicate और multiplier यहाँ पे different नहीं है. दोनों same है. That means we are multiplying the same number together. 4 fours are 16. ठीक है? अब आपको इसका division fact निकालना है. कैसे निकालेंगे? 16, पहले हमने क्या किया? जो आपका product था, जो result था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया. उसको हमने क्या बना दिया? Dividend बना दिया. हमने एक division का sign लगाया. ठीक है? अब इन दोनों में से जो इसके फैक्टर्स होंगे या जो मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर होगा उनमें से किसी एक नंबर से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हमने पहले वाले 4 से डिवाइड किया तो बचा कौन सा? दूसरा वाला नंबर 4. दैट मींस आपका जो कोशेंट होगा वो 4 होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, 16 डिवाइडेड बाय दूसरा वाला नंबर क्या था? 4. अब हम मल्टीप्लायर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो जो नंबर बच रहा है, अगर मैंने इस वाले 16 को 4 से डिवाइड किया है तो कौन सा नंबर बचा? 4. वो आपका कोशेंट हो जाएगा. दैट मींस आपको दोनों सेम डिवीजन फैक्ट्स मिल रहे हैं. तो अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इससे भी काम चल जाएगा. दैट मींस इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर्स टुगेदर वी आर गेटिंग ओनली one division fact. Okay? And if we are multiplying two different numbers together, we'll get two division fact. And if we multiply two same numbers together, we'll get only one division fact. Okay? Children, let us now understand how to find the multiplication fact from a division fact. अब आपको यहां पे just opposite find करना है. मैंने आपको पहले भी explain किया है in the very beginning that both these mathematical terms, that is multiplication and division, are opposite to each other or inverse to each other. So here you have to find the multiplication fact with अ डिविजन फैक्ट. यहां पे आपको डिविजन फैक्ट दिया हुआ है और आपको उससे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहां पे आपने सीखा था जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? डिविडेंट हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका डिविडेंट है वही यहां पे जस्ट ऑपोजिट सोच के देखिए. यहां पे आपने क्या किया था? आपका जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या बन गया था? डिविडेंट बन गया था. दैट मींस जो आपका डिविडेंट होगा, डिविडेंट यहां पे क्या है? 48. वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, ओके. और आपने क्या किया था? इन दोनों फैक्टर्स को या मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को बारी बारी से प्रोडक्ट वाले नंबर्स से डिवाइड किया था. ठीक है, और आपको अगला नंबर मिला था. दैट मीन्स इफ यू थिंक लाइक दिस, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स टुगेदर, दैट इज योर कोशेंट एंड दिस डिवाइजर, सो यू आर गोइंग टू गेट योर डिविडेंड. यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं. करते हम अगर कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें अपना डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा ना, मैंने सिखाया आपको. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 8 बाय 6 और आपको पहले से ही पता है दैट 8 6 आ 48, दैट मींस योर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इज करेक्ट. अब आपको पता है कि यहां पे दो डिफरेंट नंबर्स हैं, दैट मींस आपको दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स मिलेंगे. ओके, सो दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए क्या करोगे? अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 48 मिलेगा, और आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 48 ही मिलेगा. दैट मींस इफ योर डिवाइजर एंड कोशेंट आर
डिफरेंट, अगर आपका डिवाइजर और क्वोशेंट दो अलग अलग नंबर्स हैं तो आपको क्या मिलेंगे, दो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मिलेंगे। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। ओके, लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल। ओके, हियर योर डिविडेंट इज 12 एंड आई एम डिवाइडिंग 12 बाय 4 एंड व्हाट विल बी द क्वोशेंट इफ यू डिवाइड 12 बाय 4। आपको पता है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 3 से, तो आपका जो क्वोशेंट होगा वो 3 हो जाएगा। अब बिकॉज मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, अगर आपका क्वोशेंट और डिवाइजर दो अलग अलग नंबर हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमें दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मिलेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग दैट, पुट एन इक्वल टू मार्क एंड योर डिविडेंड विल बिकम योर प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपका डिविडेंड था वो आपका प्रोडक्ट बन गया और जो बाकी के दोनों नंबर्स थे उसको आपने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिए कि डिविजन फैक्ट से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो डिविडेंड होगा वो आपका प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू के बाद वाला नंबर, और बाकी के दोनों अदर नंबर्स होंगे उनको बारी बारी से आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 और 3 बचे तो 4 को 3 से, और आपको पता ही है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। सिंस दीज बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर डिफरेंट, सो वील गेट 2 मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। और आपको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पता है, इफ विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द प्रोडक्ट विल बी सेम। सो हियर दीज आर योर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन क्लियरली आस्क इन द ग्रुप और पोस्ट योर डाउट इन द ग्रुप।